जिन्होंने प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने योगदान दिया उनका उपखंड प्रशासन की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन भार। आज ये जो हमें आज इस पावन पवित्र और पुनीत तिरंगे के नीचे जो आज हमें आज़ादी का जो ये स्वर्ण नसीब हुआ है, इसमें बहुत सारे हमारे वीर वीरांगनाओं ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी कुर्बानियां, बलिदान, त्याग, समर्पण और अपने जीवन को उत्सर्ग करके ये पल हमें आज नसीब हुआ है। यह स्वतंत्रता का पल आज हमें यह सिखाता है कि हम आज यहाँ से कुछ प्रण करके जाएं ताकि जो हमारी ये स्वतंत्रता की जो हमें गरिमा है ये बनी रहे। इसलिए हर साल हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाया जाता है ताकि हम उस लोकतंत्र की गरिमा को और इस स्वतंत्रता के इस एहसास को हम इसके एहसास और मायने को और इसकी प्रासंगिकता को समझ सकें। क्योंकि भारत 600-700 वर्षों तक गुलाम रहा और उस गुलामी के बाद जो हमें स्वतंत्रता मिली, उस स्वतंत्रता के अगर आज उसके हम पैरामीटर्स या मायने देखें तो व्यक्ति है वो राष्ट्रवादी कम और व्यक्तिवादी अधिक हो गया है। अगर 1192 जब भारत गुलामी की ओर अग्रसर हो गया था उस समय और उसके बाद में जब ब्रिटिश शासन रहा तो 1,00,000 से अधिक कभी भी ब्रिटिश शासक यहाँ नहीं रहे और हमारी जनसंख्या उस समय 17 करोड़ थी। तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि हम में कहीं नहीं कहीं राष्ट्रवाद की कमी थी और उस राष्ट्रवाद की कमी के कारण ही भारत 700-800 वर्षों तक गुलाम रहा और आज भी शायद हम में राष्ट्रवाद है या हम में वो राष्ट्र की भावना है, मगर इस दुनिया के 225 देशों में से अगर हम उस देशों के नाम लें और उनकी तुलना हमारे भारत से करें तो हम कहाँ पाते हैं। अगर जापान का नाम अगर राष्ट्रवादिता में दुनिया के सबसे एक नंबर पायदान पे हैं, इसराइल को देखें, जर्मनी को देखें और अमेरिका को देखें और अपन भारत को पाए तो 140 करोड़ वाली जनसंख्या और हम दिनों दिन, कलाम साहब ने कहा है कि व्यक्ति जीवन में दो भाव लेकर के आता है, एक भाव ये है कि हम यहाँ से क्या लेके जाएंगे और दूसरा भाव ये है कि हम क्या दे के जाएंगे। अब इसी भाव के साथ में अब धीरे 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 राष्ट्रवाद की भावना कम होने के कारण ही हमारा जो 800 साल पहले हमारी जीडीपी जो 36% थी वो घट करके अब आज 6.5% पे आ गई। हाँ, नो डाउट दुनिया के देशों की तुलना में भारत ने भी प्रगति की है, मगर जो अपेक्षित प्रगति हमारी जनसंख्या के तुलना में जो भारत की जो टोटल आबादी का जो युवा भारत है उसको जो होना चाहिए था अपेक्षित रूप से नहीं हो पाई। क्यों? इसके बहुत सारे कारण रहे होंगे। आज इस राष्ट्रवाद को पुनः जागृत करने में अगर कोई बहुत बेहतरीन भूमिका निभा सकता है तो वो हमारे शिक्षक वृंद निभा सकते हैं। वो हमारी भूमिका बेहतर आज युवा अंगड़ाई लेता हुआ ये विद्यार्थी वर्ग निभा सकता है। गुरुकुल के प्रणेता और शिक्षा के महान शिक्षाविद चाणक्य ने कहा है कि शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता, शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता और शिक्षक में पढ़ले और निर्माण दोनों के भाव, पढ़ले और निर्माण के भाव उनके गोद में पलते हैं। तो शिक्षक वो है जो
इनमें वो राष्ट्रवाद का भाव जगा सकता है। आज की शिक्षा सिर्फ रोजगार परक नहीं हो, शिक्षा से आत्म अनुशासन विकसित हो, शिक्षा से आत्मविश्वास आए, शिक्षा से राष्ट्रवाद की भावना आए, शिक्षा से सामंजस्य आए, शिक्षा से लोक कल्याण हो, ऐसी शिक्षा की अपेक्षा और ऐसा ही आह्वान मैं आज इस मंच से हमारे शिक्षकों से और हमारे जो युवा अंग्रेजी नेता ये भारत है जो हमारे सामने बैठा है इनसे मैं अपेक्षा करूंगा। और जब तक आज़ादी का मायने नहीं है, जब तक आज़ादी की ताकत के मायने नहीं है, जब हम ताकतवर नहीं हो, अगर 1000 साल के इतिहास को देखें तो भारत की संस्कृति और विरासत या सभ्यता को देखें तो दुनिया के किसी भी देश पे भारत ने कभी भी आक्रमण नहीं किया। दुनिया के कई देशों ने भारत पे आक्रमण किए होंगे मगर भारत ने कभी भी आक्रमण नहीं किए। एक दो उदाहरणों में हमारे सामने व्यक्तिवादी उदाहरण है जो उस मायने में खरे नहीं उतरे, इसलिए इतिहास में कभी भी जयचंद और विभीषण जैसे नाम किसी भी माँ ने 1000 साल तक आज के इतिहास को देखे तो किसी माँ ने विभीषण या जयचंद जैसे नाम नहीं रखे। इसका कारण क्योंकि राष्ट्र से व्यक्ति ऊपर हो गए थे, इसलिए विभीषण और जयचंद के नाम नहीं रखे जाते। तो हमें भी व्यक्तिवादी न होकर के राष्ट्रवादी होना होगा और जब राष्ट्रवादी आप हो जाएंगे तो देश ताकतवर हो जाएगा और जब देश ताकतवर हो जाएगा तो समाज और दूसरी सब चीज़ें हैं वो एकदम सहजता से सही हो जाएगी। इसलिए हमें आज़ादी के मायने को जानना है तो आज से हमें ये प्रण लेना होगा कि हम भारत है या कोई मैं किसी व्यक्ति नहीं हूँ बल्कि हम भारत है। और जब हम भारत की संकल्पना को अगर आप साकार कर लेंगे तो फिर एक देश नई एक अंग्रेजी के साथ में एक करवट के साथ में एक नए मुकाम को प्राप्त हो जाएगा, ऐसी मेरी धारणा है। आज इस अवसर पर हम इसी संकल्प को दोहराते हुए जिन्होंने देश के लिए अनगिनत जो कुर्बानी दी और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए उनके बलिदान को उनके शहादत को मैं एक बार पुनः उनको नमन करता हुआ मैं अपना स्थान इसी शब्दों के साथ में हो सकेगी रहा आसान साथ साथ चल करके कुछ तुम बदल करके देखो कुछ हम बदल करके देखें, इसी विश्वास और आशा के साथ में आपने इस भव्य गरिमा में प्रोग्राम को बहुत बेहतरीन बनाया। आपका इस्तकबाल एवं शुभकामना, धन्यवाद।